नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई के बारे में अच्छी बातें हम बात करेंगे। आईसीए जीडीआरएफ अप्रूवल के बारे में कुछ देशों को भाई वे छूट दे रही है, अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, विजिट वीज़ा के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे। ग्रेस पीरियड दुबई ने बढ़ा दिया, हालांकि आपने न्यूज़ देख ली होगी, हमारा न्यूज़ थोड़ा लेट चल रहा है, कुछ बिजी हो गए थे इस वजह से। वीज़ा से, विजिट वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे पूरी डिटेल से। वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको वीज़ा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लूँ भाई, आपको पता है दुबई में या कहीं पर भी आप दुबई वी में जाने जाते हैं तो वर्क वीज़ा से रिलेटेड आईसीए और जीडीआरएफ अप्रूवल की आपको सख्त ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना आपका प्रोसेस अधूरा रहता है, आप एंट्री नहीं कर सकते। जी हाँ, लेकिन भाई दुबई सरकार ने एक अच्छी न्यूज़ देते हुए इंडोनेशिया के लिए इस सिस्टम से छूट दे दी है। जी हाँ, वहाँ के लोग अगर आप दुबई में वी में पहुँचते हैं तो आईसीए और जीडीआरएफ अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो बिना अपना टिकट लें, पीसीआर रिपोर्ट लें, सीधा वी पहुँच सकते हैं। जी हाँ, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि शुरुआत हुई है इंडोनेशिया से, जल्दी अपना नंबर आने वाला है, जैसे पाकिस्तानी जो इंडियन हैं उनके लिए भी। जी हाँ, अच्छी न्यूज़ आ सकती है, 100% चांसेज हैं इसी सितंबर महीने में आने की कि अप्रूवल वाला सिस्टम क्लोज कर दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, रेड सिग्नल आ रहा है, उसमें रेड दिखा देता है। जी हाँ, तो भाई इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी है, कंपनी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी से कॉन्टेक्ट करिए, हो सकता है वो चाहती नहीं है कि आप उनकी कंपनी में आए, इसीलिए वो आपको अप्रूवल नहीं दे रही है। कल एक बंदे का मैसेज आया था कि वो कंपनी उनको बुलाने ही नहीं चाहती, उसको रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, टर्मिनेट कर दिया कि घर रहो, 2 लाख रुपये बेचारे की तनख्वाह, लीव सैलरी वगैरह पड़ी है, वो कंपनी खा जाएगी। हालांकि मैंने उनको ऑप्शन बताया कि उसको किस तरह से क्या करना है, उसको बता दिया तो वो उसका समाधान हो जाएगा। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं, कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, कंपनी अगर आपका भला नहीं करना चाहती तो आपका भला कोई नहीं कर सकता, आईसीए अप्रूवल की बात अगर करें तो। जी हाँ, हालांकि अगर बात करें किसी भी प्रकार का नया वीज़ा अगर आप लेके जाते हैं तो उसमें अप्रूवल का चक्कर नहीं है, चाहे आप आईसीए की हैं चाहे जीडीआरएफ की हैं, कोई चक्कर नहीं है। आप डायरेक्ट नया वीज़ा है तो आप सीधा भी आरटीपीसीआर रैपिड टेस्ट और टिकट वीज़ा लें और जा सकते हैं। जी हाँ, तो ये अच्छी बात है। अगर बात करें साथियों तो बता दूँ, वी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, किन के लिए, जिनके कोरोना काल में या किसी भी रीज़न की वजह से कंपनी जॉब से निकाल देती है, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, उस दौरान पहले क्या होता था कि आपको मात्र 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था, कि जैसे कंपनी ने आज आपका वीज़ा ख़त्म कर दिया, 30 दिन तक आपको दुबई छोड़ना होता था। 30 दिन में या तो आप कंपनी में दूसरे में इंटरव्यू दे के आप जॉब लग जाएँ, वो कंपनी आपका अंडर प्रोसेस डॉक्यूमेंट में डाल देगी वीज़ा के लिए, या फिर आपको दुबई छोड़ना पड़ेगा। उससे ज़्यादा होता 30 दिन से तो आपका एक्स्ट्रा में फिर आपका चार्जेस लगने लग जाते इलीगल होने की वजह से। जी हाँ, लेकिन वी सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट देते हुए ग्रेस पीरियड साथियों 180 दिन का कर दिया है। जी हाँ, 180 दिन कम नहीं होते भाई, 6 महीने। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन आने वाले समय में किया जाएगा, हालांकि अगर देखा जाए तो ये किन लोगों को कितना समय मिलेगा, क्योंकि 90 डेज से यानी 90 दिन से 180 दिन, सीधा सीधा बोले तो 3 महीने से 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा। 3 महीने तो सबको मिलेगा, समझ गए बात को, 3 महीने का तो किसी को रोकना ही नहीं है। कहाँ 30 दिन थे 1 महीना, कहाँ 3 महीने, तो 3 गुना बढ़ गया, 180 दिन का प्रोसेस भी है। तो अब वो किन किन को मिलेगा, इसमें क्या कंडीशन होगी, ये आगे सरकार की तरफ से अगर कोई क्लियरेंस आएगी तो उसमें पता लगेगा। बाकी ये न्यूज़ फाइनल है भाई, फैक्ट है ये कि आपको 180 दिन तक आप अगर दुबई में रहते हैं बिना वीज़ा के ग्रेस पीरियड में, तो आपको कोई टैक्स, आपका एक्स्ट्रा में कोई मुआवजा आपका, या फिर आपकी पेनल्टी, आपका फाइन कुछ नहीं लगेगा। इतना टाइम मिल जाएगा आपको कि उस दूसरी कंपनी से, किसी भी रीज़न से आपने कंपनी छोड़ी, कंपनी ने निकाला, कंपनी के साथ आपकी जमी नहीं, आपने रिज़ाइन दे दिया, तो उसके बाद में आप दूसरी कंपनी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इतना लंबा टाइम आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई इंडियन लोगों के लिए, तो ये उन लोगों के लिए भी भाई बेनिफिट है कि आप लोग वहाँ रह रहे हैं और आपको किसी की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है वर्क परमिट वीज़ा वालों के लिए, तो आपको लंबा समय मिल जाएगा। उसमें आपको अपना, आप इच्छा अनुसार आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। पहले क्या 30 दिन होते थे, उसमें दिक्कत ही आती थी कि भाई 30 दिन बचे हैं, एक दो कंपनी में आपने ट्राई किया, उन्होंने मना कर दिया, 5-7 दिन तो आपके यूँ निकल गए। फिर आप तीसरी कंपनी में गए, आपको 1500 पहले वाले में मिल रहे थे, वो भी बोलती है मैं 1500 ही दूंगा, तो आपको मजबूरी में उसमें हाँ करनी पड़ती थी और अग्रीमेंट पे आपके सिग्नेचर करने पड़ते थे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर टाइम निकल गया तो आपको, आप पेनल्टी में आ जाओगे, इलीगल हो जाओगे, तो आप मजबूरी में उसी कंपनी में ज्वाइन करना पड़ता था और कंपनी भी दबाव में ले लेती थी, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास, उनको भी पता था टाइम नहीं है। लेकिन अभी 3 महीने से 6 महीने का टाइम रहेगा,
कंपनी के बाप को भी आपके ऊपर दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दबाव सहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत अच्छा है। आप दो कंपनियों में, तीन कंपनी के बजाय 10 कंपनियों में इंटरव्यू देके उनमें सिलेक्शन करोगे कि भाई अच्छी कंपनी ये है, अपनी लाइक ठीक है, अपनी तनख्वाह इनसे ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। जी हाँ, क्योंकि इसका बेनिफिट ये कि आपके पास समय ज़्यादा है, इस वजह से आप आराम से अपना प्रोसेस कर सकते हैं। समय कम होता है तो भाई दिक्कत होती है, आप सबको पता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट मैं इस बात को लिए मान सकता हूं। और हमेशा ध्यान रखिए भाई, कंपनी आपका वीजा टर्मिनेट आपको निकालती है, वीजा कैंसिल करती है, कुछ भी करती है, तो वीजा कैंसिल करने के बाद में मेरे पास जहां तक लोगों की शिकायतें आती हैं कि कंपनी हमें एयरपोर्ट छोड़ने जाती है, क्यों, क्या काम है कंपनी का? कंपनी ने अगर आपको जॉब से निकाला, आपका जॉब, आपका वीजा कैंसिल कर दिया, कंपनी में जॉब नहीं है, वो आपको छुट्टी दे रही है कि आप निकलो, तो आपका पासपोर्ट वहीं से ले ले कंपनी में। कंपनी आपको पासपोर्ट पकड़ा के उनको बोलिए कि आपको मतलब नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, आपने वीज़ा कैंसिल कर दिया, आप फ्री हो हमारी तरफ से, हम आपकी तरफ से फ्री हैं। कोई कंपनी का हक नहीं बनता दुबई लेबर लॉ के हिसाब से कि कंपनी आपको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा के पासपोर्ट भी नहीं दे, एयरपोर्ट के अंदर घुसा के फिर पासपोर्ट दे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इस वीज़ा में आगे आने वाले आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो मैं पहले से आपको चेता देता हूँ कि जैसे ही कंपनी आपको अपने जॉब से निकाले, वीज़ा कैंसिल कुछ भी रीज़न हो, पासपोर्ट वहीं उनकी ऑफिस में पासपोर्ट दे दो जी, हमारा आपको कोई मतलब नहीं है हम कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। अगर वो पासपोर्ट नहीं देते हैं 100% तुरंत प्रभाव से कंपनी के खिलाफ में आप शिकायत कर दें ताकि आपको पासपोर्ट मिल जाए, क्योंकि मेरे गांव के बहुत सारे बंदों को कंपनी ने कोरोना काल में निकाला था, तो उनको बता दूं एयरपोर्ट के अंदर घुसा के आए, पासपोर्ट फिर दिया उनको, टिकट किनकी हिसाब कंपनी ने हालांकि दे दिया, उन्हीं के पैसों से कंपनी ने टिकट बनाई, पासपोर्ट अपने हाथ में रखा, टिकट पासपोर्ट एयरपोर्ट के अंदर घुसाने के बाद दिए और बंदे बेचारे यहां आ गए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे बंदों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया कि बोले सर कंपनी निकाल रही है, आप अगर हमें सेट करवा सकते हैं तो करवा दीजिए दुबई में। मैंने उनको बोला था कि भाई कोशिश करूंगा, उससे पहले कंपनी ने पासपोर्ट ही नहीं दिया, डायरेक्ट इंडिया भेज दिया उनको। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, खुल के विरोध करना सीख लीजिए ताकि आपके अधिकार आपके पास हैं, सुरक्षित हैं, कंपनी आपसे बड़ी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि लेबर लॉ सबसे बड़ा है दुबई का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बात करें भाई पाकिस्तान के विजिट वीज़ा, जैसे इंडिया के विजिट वीज़ा निकल रहे हैं, सभी देशों के निकल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, अभी भी उनके सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं निकल रहे हैं। विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, परमिट तो भाई सबके लिए बंद है, आप सबको पता है, अभी भी पाकिस्तानी लोगों के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि फैमिली वीज़ा एक्सेप्टेड हो रहे हैं, बाकी सिंगल वीज़ा हैं वो लोगों के नहीं निकल रहे हैं दुबई में। जी हाँ, तो ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी वो जोड़ तोड़ ये निकाल रहे हैं कि भाई ठीक है फैमिली वीज़ा निकाल देते हैं, वाइफ के साथ में या किसी के साथ में, वीज़ा दोनों का आएगा, बंदा ट्रेवल एक करेगा, ऐसा लोगों की सोच है, ऐसा सिस्टम कर रहे हैं। बाकी आप यार आप समझिए भाई, पाकिस्तानी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो को क्या रीज़न है भाई, एक आपके मतलब सिमिलर कंट्री होने के बावजूद आप लोगों को सिंगल एंट्री वीज़ा क्यों नहीं दे रही, जबकि वे के पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं, उसके बावजूद क्या स्थिति है कि आप लोगों को सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं दे रही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस मैटर पे आगे हो सके तो हम दूसरे वीडियो में बात करना चाहेंगे। जी हाँ, कि भाई ऐसा क्या राज है कि दुबई सरकार आप लोगों को यानी पाकिस्तानी लोगों को सिंगल वीज़ा नहीं देती है, कि भाई सिंगल आपको हम एंट्री नहीं देंगे, या फिर आपकी जितनी उम्र शायद 40 साल से ऊपर है उनको सिंगल एंट्री वीज़ा दे रही है सिंगल लोगों को, और या फिर आप 40 से कम हैं तो आप अपने फैमिली के साथ वीज़ा ले सकते हैं, ये क्या राज है? अगर किन्हीं को पता हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस पे हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। बस आज की जानकारी यही थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।